नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्टडी विद नीरज सर पे। मैं सशेंद्र आज आपको फिगर काउंटिंग के बारे में बताऊंगा कि कैसे हम किसी फिगर में जल्दी से जल्दी त्रिभुज को गिन सकते हैं और बता सकते हैं कि कितने त्रिभुज बने हुए हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं कि फिगर में हम त्रिभुज को कैसे काउंट करेंगे और बताएंगे जल्दी से जल्दी कि कितने त्रिभुज बने हुए हैं। मान लो दोस्तों, हमारे पास ये एक त्रिभुज बना हुआ है। इसमें सभी को पता है एक ही त्रिभुज है। ये हमने दूसरा त्रिभुज बनाया और ऐसे कर दिया। इसमें भी सभी को पता चल रहा है कि एक ये त्रिभुज बना हुआ है और एक ये और एक पूरा बड़ा वाला, ठीक है। तो इसमें तीन त्रिभुज सभी को पता चल रहा है। इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कठिन होता जाएगा, तो इसमें अब गिनना थोड़ा सा टफ हो रहा है। तो हम देखेंगे कि इनको काउंट कैसे करना है, ठीक। तो इसमें सभी को पता है एक है, हमें क्या करना है। यहाँ पे देखो कितने इस त्रिभुज में बना है, आधार से हमारी कितने लाइनें जो है बनी हुई, कितने भाग त्रिभुज में बने हुए। तो देखो एक यहाँ पे, इनको हमको काउंट कर देना है, गिनती लिख देनी है। एक ये भाग हो गया और दूसरा ये भाग हो गया। तो हमें क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, टोटल तीन त्रिभुज। आप देख लोगे एक ये वाला, एक दो और एक तीन। हमें ऐसे लिख के इनको जोड़ देना है तो हमारे त्रिभुजों की संख्या निकल आएगी। यहाँ पे देखो कितने भाग बने हुए, एक दो तीन। अब हम इनको क्या करना है, जोड़ देना है। तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तीन दो छः और एक सात। इसमें कितने हुए, सॉरी तीन दो पांच एक छः, ठीक है। आगे एक दो तीन चार। अब देखो इसमें कितने भाग बने हुए, एक दो तीन चार पांच। इन सभी को ऐड कर देना है, तीन तीन छः चार दस और पांच पंद्रह। इसमें पंद्रह त्रिभुज बने हुए, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कितनी भी लाइनें बनी हो आधार से जुड़ी हुई, हम उसको बस ऐसे ही ऐसे बना हुआ है, हमें बस काउंटिंग करना है। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, दो एक तीन, तीन तीन छः चार दस पाँच पंद्रह छः इक्कीस और सात अट्ठाईस। इस तरह काउंटिंग करके हमको जल्दी से जल्दी पता चल सकता है कि इसमें कितने त्रिभुज बने हुए हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऐसे ही सिंपल में था। अब देखते हैं, यहाँ पे सभी को पता है त्रिभुज है, यहाँ पे एक आधार था। अगर हम इसमें बीच में लाइन में खींच देते हैं तो हमारे पास बेस जो है कितना हो जाएगा, एक ये हो गया आधार, दूसरा आधार क्या है ये। तो हमें क्या करना है, एक और दो। सभी को पता है कि इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये और ये दूसरा त्रिभुज। तो इसमें कितने त्रिभुज बने हैं, दो ही त्रिभुज बने हुए, एक ये हो गया और एक दूसरा हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ऐसे कर दें तो पहले हम हमारे पास क्या था, ये दूसरा बेस नहीं था, तो हमने क्या क्या कर देते थे, वन और टू इनको जोड़ देते थे तो तीन हो जाते थे। लेकिन अब यहाँ समझ लो, अब ये नहीं बना है, इसको भी हमको काउंट करना है और यहाँ पे ऐसे कर देना है तीन। तो ये तीन और ये तीन मिलके कितने त्रिभुज हो जाएंगे, छः। मान लो यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, हमको फिर वही काम, वन टू थ्री इनको ऐड करना है, तीन दो पाँच एक छः। इसमें भी वही काम ऊपर है, वन टू थ्री तीन दो पाँच एक छः, तो छः छः बारह त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक। अगर मान लो हमारे पास ऐसे बना हुआ है,
ठीक है, ये त्रिभुज है, इसमें बताना है कितने त्रिभुज बने हुए हैं। तो हमको क्या करना है, सीधे 1 2 3 4 5 सभी को जोड़ देना है। 5 4 9 1 10 3 13 2 15 इन सभी को ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब हमें ऊपर बढ़ना है, दूसरा बेस क्या है, ये वाला है। अब देखो 1 2 3 4 5 इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक, अब ऊपर बढ़ते हैं, तीसरा बेस क्या है, ये वाला है। इनको काउंट करेंगे 1 2 3, अगर हम इनको जोड़ेंगे 3 2 5 6 कितने हो गए, 15 15 30 36 36। तो इसमें हम ऐसे जल्दी से जल्दी बता सकते हैं कितने त्रिभुज बने हुए हैं। आगे देखते हैं, ये देखो ठीक ऐसे बना, अब इसमें बताने हैं कितने त्रिभुज हैं इस फिगर में। हमें पता है इनको जल्दी से नंबरिंग करनी है, बस इनको काउंट करना है, 4 6 7 8 9 10। तो इसमें कितने हैं, 10। इसमें एक ही, ऊपर बढ़ेंगे तो ये दूसरा बेस है, कितना हो गया, +1 हो गया। इसमें देखो 1 2 3 4 इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। और ये 1 और 2 कितना हो जाएगा, ये 3। तो 10, ये 20 23 और 1 24। तो इसमें कितने त्रिभुज निकले, 24। तो इस तरह हम इस टाइप के अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम बता सकते हैं जल्दी से जल्दी कितने त्रिभुज बने हुए हैं फिगर में। आगे देखते हैं, अगर ये जो क्वेश्चन जो हमारे पास है, ये जो क्वेश्चन है, हमें याद रखना है कि अगर दो त्रिभुज से मिलकर, अगर दो त्रिभुज से मिलकर स्टार जैसा बना हुआ है, दो त्रिभुज से मिलकर स्टार जैसा बना हुआ है, तो उसमें हमेशा 8 त्रिभुज होंगे। ठीक है, 8 त्रिभुज होंगे। अगर हमारे पास ऐसे स्टार बना हुआ है तो इसमें हमेशा 10 त्रिभुज होंगे। ये हमारी याद करने में, मतलब हमें ध्यान रखना है कि अगर ऐसे दो त्रिभुज से मिलकर स्टार बना है तो उसमें 8 होंगे, अगर स्टार ऐसे बना है तो उसमें 10 त्रिभुज होंगे। ठीक है, हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि ज्यादा कुछ बताने से फायदा है नहीं, और जो मेन है, मेन पॉइंट की बातें हैं, बस वही हम बताएंगे। आगे देखते हैं, देखो अगर हमारे पास ऐसे बना, ठीक है, इसमें बताना है कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, कितने हो गए, 2 त्रिभुज हो गए इसमें। ठीक, जब भी हमारे पास ऐसे आएगा तो हमें क्या करना है, इसमें तो हमारे पास 2 ही त्रिभुज बने हुए हैं, लेकिन हमारे पास इसमें अगर हम गिने, देखो एक ये त्रिभुज हो गया, दूसरा ये हो गया, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ये छठा, फिर इस तरफ से सातवां और
और ये आठवां। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसमें नंबरिंग कर देनी है, 1, 2, 3, 4। जो हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4। अब इसका क्या, इसका दुगना कर देना, तो 8। तो इस फिगर में कितने त्रिभुज बने हुए हैं, 8 त्रिभुज। ठीक, आगे इसी तरह देखो, चलो क्या काम करना है, सबसे पहले नंबरिंग करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो सबसे बड़ा नंबर है, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 6 है, इसका दुगना करना है, कितना हो जाएगा, 6 × 12, इसमें 12 त्रिभुज। इसी तरह कुछ भी, मतलब कितने भी हमारे इसमें बने हों, ऐसे हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, सबसे बड़ा नंबर, इसका दुगना 16। ठीक, इसमें 16 बनेगा। देखो इसमें दो वर्ग आपस में जुड़ गए हैं, एक ये और ये, हमें इसमें भी नंबरिंग करना है, 1, 2, 3, 4। हमें पहले से पता है इसमें कितने बन रहे हैं, 8, 1, 2, 3, 4, दुगुना 8। तो 8 और 8, 16 ये हो गए। तो अब देखना हमें क्या है, देखो एक ये वाला त्रिभुज इन दोनों को मिला के ये वाला बन रहा है, ठीक है, और एक यहाँ से जाएगा तो ये बनेगा, 8 और 8, 16। ठीक, 16 ये हो गए और ये दो 18, तो इसमें 18 बनेंगे। हमें यहाँ पे ध्यान कैसे देना है कि ये दो त्रिभुज बन रहे हैं, अगर हमारे पास दो वर्ग इसी तरह अगर दो वर्ग जुड़ रहे हैं तो यहाँ पे कितने पॉइंट मिल रहे हैं, ये वाला वर्ग और ये इससे जुड़ रहे हैं, एक कोना ये जुड़ा और एक यहाँ पे, तो हमारे पास ये दो पॉइंट मतलब जुड़ने वाले स्थान पे जो हमारे जो कोण जुड़ रहे हैं उनको हम दो त्रिभुज मानेंगे। तो एक त्रिभुज ये हो गया और एक ये हो गया, तो वही हमारे ये दो त्रिभुज हैं। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज बने हुए, 18। मान लो हम यहाँ पे एक और जोड़ देते हैं, यहाँ पे ऐसे मैंने ऐसे जोड़ दिया, ठीक, तो यहाँ पे क्या, 1, 2, 3, 4 क्या हो गया, 8 ये हो गए। ठीक, तो यहाँ पे इसको जोड़ने से हमारे दो पॉइंट और मिल गए, ठीक है, तो दो त्रिभुज इसमें और बन जाएंगे। तो अब इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 8 × 16, 8 × 3, 24, यहाँ दो पॉइंट, 24 ये हुए, 25, 26, 27 और 28। अगर इस टाइप से आ जाता है तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 28। ठीक, इसमें बताने हैं कितने त्रिभुज बने हुए, हमें पता है इसमें कितने हैं, 8, 8 × 16, 8 × 3, 24, 8 × 4, 32।
32 हमारे काउंट हो गए। ठीक, अब पॉइंट देखो, एक दो तीन चार, मान लो ये नहीं बना हुआ है, हमने इसको इसमें जोड़ा, एक दो तीन चार, चार पॉइंट हो गए, और ये नीचे से ये जुड़ा है, तो हमें एक पॉइंट यहाँ पे और मिलेगा और ये और मिलेगा, तो कुल कितने पॉइंट हो गए, एक दो तीन चार और दो इस वाले के, पाँच छः, तो 32 और 6 कितना हुआ, 38 हुआ। अब देखना है कि हमारा ये वाला जो वर्ग जुड़ा हुआ है इससे कितने त्रिभुज बन रहे हैं। देखो हमें यहाँ पे छुपे हुए त्रिभुज, ये यहाँ से जाएंगे तो एक त्रिभुज तो ये इससे मिल रहा है, ठीक, तो एक त्रिभुज ये हो गया। फिर हम अगर यहाँ से फिर से जाए यहाँ तक, तो यहाँ से जाएंगे अगर, देखो ये वाला यहाँ से गए यहाँ तक आए, फिर ये यहाँ से वहां तक गए, तो एक ये हो गया, मतलब एक ये हो गया, ठीक, तो प्लस वन, तो ये भी तो होगा, एक यहाँ से गए और ये यहाँ से आए, क्या हो गया, प्लस वन, ये हो गया 32, 36, 39, 40 और एक 41, तो इसमें कितने बने हुए हैं, 41, इसमें 41 त्रिभुज बने हुए हैं। देखिए अगर हमारे पास ऐसे त्रिभुज हैं और त्रिभुज के अंदर कोई त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज के अंदर कोई त्रिभुज तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए त्रिभुज बना हुआ है, तो देखो हमारे पास कितने त्रिभुज हैं, एक दो तीन और ये चार और एक बड़ा वाला जो पूरा पांच, तो इसमें कितने त्रिभुज बने हुए, पांच, ठीक। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर त्रिभुज के अंदर कोई त्रिभुज बना हुआ है तो उसमें हमारे चार त्रिभुज बनेंगे, जैसे देखो चार त्रिभुज बने, त्रिभुज के अंदर कोई त्रिभुज बना हुआ है तो उसमें चार त्रिभुज बनेंगे और एक बड़ा वाला हो जाएगा जो बाहर का है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, पांच। तो हमको ध्यान क्या रखना है हमेशा कि त्रिभुज के अंदर अगर त्रिभुज स्पर्श करते हुए भुजाओं को बना हुआ है तो उसमें चार त्रिभुज बनेंगे और एक बड़ा वाला, तो टोटल पांच हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम कोई ऐसा फिगर बना दें, ऐसे तो इसमें बताना है कितने फिगर त्रिभुज के बने हुए, तो देखो त्रिभुज के अंदर ये एक त्रिभुज, ठीक, तो इसमें कितने त्रिभुज, चार, और फिर इस वाले त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज, एक और हो गया, तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, चार, ठीक। तो इस त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज हैं, इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, और अगर बाहर वाले त्रिभुज के अंदर कोई त्रिभुज बना हुआ है तो उसमें चार त्रिभुज बनते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कितने त्रिभुज बने हुए हैं, एक, तो इससे हुए चार, दूसरा एक और बना हुआ है तो चार, उसमें चार चार आठ और एक ये बड़ा वाला, तो कितने हो, चार चार आठ, एक नौ त्रिभुज। इसी तरह हम अगर देखो एक और बना रहे हैं, ऐसे बना दिया हमने, अब देखो हमें पता है त्रिभुज के अंदर अगर कोई त्रिभुज बना है तो उसमें चार त्रिभुज होते हैं, तो यहाँ पे देखो एक त्रिभुज बना हुआ है, इसके अंदर त्रिभुज कौन सा है, एक कितने बने हैं, ये एक बना है तो इसके चार हो गए, ये दूसरा बना है तो इसके चार हो गए, ये तीसरा बना है तो इसके चार हो गए और एक ये बाहर वाला त्रिभुज, इन सबको जोड़ देना है, चार चार दुनिया आठ, चार दिन बारह, एक तेरह। तो इस तरह हमें पता चल सकता है कि कितने त्रिभुज कितने त्रिभुज बने हुए हैं। आगे देखते हैं,
हमारे पास ये त्रिभुज बना हुआ है, इसमें हमको बताना है कि कितने त्रिभुज बने हुए हैं। एक त्रिभुज जैसे और कर लेना है, अगर हमारे पास ऐसे त्रिभुज आ जाते हैं तो इनको काउंट करना थोड़ा सा इनका कठिन मेथड है। इनको हम अगर काउंट करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन हमें याद रखना है अगर हमारे पास दो बेस आ जाए तो हमें देखना है कि ये हमने एक छोटी सी टेबल बनाई हुई है, इसमें याद रखना है अगर हमारे पास ऐसे त्रिभुज का फिगर आता है तो उसमें देखना है अगर हमारे पास बेस कितने हों, दो हों तो हमारे पास उसमें पांच त्रिभुज बनेंगे। यहाँ पे देखो बेस कितने हुए हैं, एक दो तीन, तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, तेरह। यहाँ पे देखो बेस कितने हैं, एक दो तीन चार, इसमें चार बेस हैं, त्रिभुज कितने होंगे, सत्ताईस। बेस हम चाहे इस तरफ से ले लें तब भी हमारे चार बेस होंगे, मतलब सभी तरफ से चार चार बेस, इधर से काउंट करेंगे तब भी तीन बेस। तो अगर हमारे पास ऐसा फिगर आता है तो हमको एक छोटी सी टेबल ध्यान में रखनी होगी, दो बेस होंगे तो पांच, तीन तो तेरह, चार सत्ताईस, पांच अड़तालीस, छः अठहत्तर, सात एक सौ अट्ठारह, अगर आठ बेस होंगे तो एक सौ सत्तर त्रिभुज होंगे। दो से पांच तक तो याद कर लेना क्योंकि यहां तक तो आता है, अगर याद पूरा याद हो जाता है तो अच्छी बात है क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो हमें ये टेबल याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा, और इससे आसान तरीका कोई नहीं है फिगर काउंटिंग का, और हमें लगता है कि आपको इस पर अगर ये पढ़ लेते हैं तो कहीं भी त्रिभुज आ जाएगा तो उसको हम आप लोग जल्दी से जल्दी काउंट करके बता देंगे। वैसे काउंट करने में जो है टाइम हमारा काफ़ी लग जाता है और त्रिभुज हमारे छूट भी जाते हैं गिनने में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू।